हेलो चिल्ड्रन, वेलकम बैक यू ऑल। आज आप सभी का कक्षा 7 सुप्रभातम संस्कृत माला में आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम शुरू करते हैं लेसन नंबर 7 अनुशासनम, जो कि एक संवाद है। अनुशासनम मूल शब्द क्या है? अनुशासन। द्वितीय विभक्ति एक वचन है अनुशासन में। प्रथमा विभक्ति भी हो सकती है, प्रथमा और द्वितीय सेम होती है। और लोट लकार में तीनों वचनों में, लोट लकार यानी कि आज्ञार्थकम, यानी कि आज्ञा या आदेश देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग किया जाता है। लोट लकार में जो हमारे प्रत्यय यूज होते हैं पट धातु के साथ या किसी भी धातु के साथ, वो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे गम धातु में, जो कि हमारी परिवर्तनशील धातु है, गच से शुरू होगी, गच्छ जमा अतु, तो क्या बनेगा? गच्छतु। गच्छ जमाताम गच्छताम, गच्छ जमांतु गच्छन्तु। सह गच्छतु वह जाए, सह सा या तत् गच्छतु वह जाए, तीनों का मीनिंग सेम होता है। ये पुलिंग स्त्रीलिंग और ये नपुंसकलिंग। तौ यते यते, ये पुलिंग हो गया, ये स्त्रीलिंग हो गया और ये नपुंसकलिंग हो गया। तौ गच्छताम वे दो जाए। ते ता या तानी, यानी कि पहले पुलिंग, फिर स्त्रीलिंग और फिर नपुंसकलिंग। तो इसके साथ क्या आ गया? बहुवचन का ही गच्छन्तु, वे सब जाए। नेक्स्ट मध्यम पुरुष एक वचन हमारा आया, गच्छ जमा अ, गच्छ जमातम गच्छतम, गच्छ जमात गच्छत। ये तो आपको आता ही होगा कि किस तरह से हमने छ में आ लगाया तो ये छ पूरा बन गया। वर्ण विच्छेद सभी को आते ही होंगे। तो त्वं गच्छ तुम जाओ, युवाम गच्छतम तुम दोनों जाओ, यूयम गच्छत तुम सब जाओ। गम गच्छ जमा आनी गच्छानी, गच्छ जमाओ गच्छाओ और गच्छ जमाम गच्छाम। अहम गच्छानी मैं जाऊं, आवाम गच्छाओ हम दोनों जाएं, वयम गच्छाम हम सब जाएं। तो आइए चैप्टर शुरू करते हैं। तो ये कुछ हमारे पास लोट लकार की धातुएं दी हुई हैं, इसको आप जरूर रीड कीजिएगा, क्योंकि इसको रीड करने से आपको सारी धातुएं क्लियर हो जाएंगी। एक बार ही फटाफट देख लेते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। नमतु नमताम नमंतु, नम नमताम नमत, नमानी नमाओ नमाम, अस्तु स्ताम संतु, ऐसे ही खेल में खेलतु खेलताम खेलंतु, रच धातु से रच्यतु रच्यताम रच्यंतु, रक्ष धातु से रक्षतु रक्षताम रक्षंतु, क्री धातु से करोतु कुरुताम कुर्वन्तु, पठ धातु से पठतु पठताम पठन्तु, पच धातु से पचतु पचताम पचन्तु, यच्छ धातु से यच्छतु यच्छताम यच्छन्तु, पथ धातु से पततु पतताम पतन्तु, नी या नय धातु से नयतु नयताम नयन्तु। ये सब क्या है? हमारे प्रथम पुरुष बहुवचन है। और ये जो नम की धातु दी हुई है, पूरी लोट लकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में दी हुई है। बच्चे, आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता चलता कि इसके साथ हमें प्रथम पुरुष का सह यूज करना होता है, और इसके साथ तौ, और इसके साथ ते, इसके साथ त्वम, इसके साथ युवाम और इसके साथ यूयम। बहुत सारे बच्चों को इनके मीनिंग भी नहीं आते। अहम, अगर आपको यही चीज़ें क्लियर हो जाए तो मेरे ख्याल से आपको संस्कृत बहुत इजी लगने लग जाएगी। यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि स ही आएगा, यहाँ पे सा भी आ सकता है, यहाँ पे तत् भी आ सकता है, यहाँ पे ते भी आ सकता है और ते भी आ सकता है, यहाँ पे तहा भी आ सकता है स्त्रीलिंग में और तानी भी आ सकता है। ओके, तो ये तो आपका हुआ लोट लगा, यानी कि जब हम किसी को आज्ञा दे रहे हैं। आइए अब आगे इसके कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, देखते हैं सेंटेंस की फॉर्म में। सह प्रातः उद्याने व्यायामम करोतु, वह सुबह बाग में व्यायाम करे। ये जो करोतु है, ये जितने भी हाइलाइटेड हैं, ये हमारे लोट लकार के आ रहे हैं। ये प्रथम पुरुष है, एक वचन है। तौ प्रातः उद्याने प्राणायामम कुरुताम, वे दोनों सुबह बाग में प्राणायाम करें। कुरुताम, तौ के साथ क्या आ गया? तौ हमारा कर्ता पद हो गया और ये हमारी क्रिया हो गई। द्विवचन के साथ द्विवचन। ते प्रातः उद्याने क्रीडाम कुर्वन्तु, वे सुबह बाग में क्रीड़ा करें। वे सब, यानी कि ते पुलिंग का बहुवचन है, तो यहाँ पे भी क्रिया क्या हो गई? बहुवचन। अगर यहाँ स्त्रीलिंग होता तो क्रिया सेम रहती, यानी कि स्त्रीलिंग में तहा होता, तहा, ठीक है, तो यहाँ पे क्रिया सेम रहती। आगे देखते हैं, सा नित्यतु वह नाचे, ते नित्यताम वे दोनों नाचे, ताहा नित्यंतु वे सब नाचे। आपने देखा होगा यहाँ पे अब स्त्रीलिंग आया सा,
लेकिन क्रिया क्या आई, एकवचन आई। क्रियाएं हमारी सेम रहती हैं, बस हमें पुरुष चक्र का ध्यान रखना होता है। ते नित्यताम वे दोनों नाचे, ता नित्यंतु वे सब नाचे। चैप्टर शुरू करते हैं अनुशासनम। अनुशासन डिसिप्लिन के बारे में बताया जा रहा है। कक्षायाम शिक्षक छात्रैः सह संवादम करोति। कक्षा में अध्यापक छात्रों के साथ संवाद कर रहा है। छात्रों के साथ यानी कि सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग, चाहे ये एकवचन हो, द्विवचन हो या बहुवचन हो, सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। शिक्षक है वो छात्रा नमो नमः। अध्यापक अरे छात्रों नमस्कार। छात्रा अनेक छात्र नमो नमः गुरुवर। नमस्कार अध्यापक। शिक्षक है गुरुजी, सॉरी नमस्कार गुरुजी। शिक्षक है अध्यापक। यूयम अनुशासनस्य विषय वदत। तुम सब अनुशासन के विषय में बताओ। अब ये उनसे कह रहे हैं अध्यापक कि आप सब अनुशासन के विषय में बताइए। अक्षय अहम किंचित जानामि, मैं कुछ जानता हूँ। परंतु भवान एव वदतु, परंतु आप ही बताइए। शिक्षक है अध्यापक। शोभनम अच्छा। सर्वे छात्रा ध्यानेन शृण्वन्तु, सभी छात्र ध्यान से सुने। शृण्वन्तु कौन सी धातु है, इसमें श्रु धातु है। ओके यूयम प्रातः उत्थाय मातरम पितरम च नमत। तुम सब सुबह उठकर माता और पिता को नमस्कार करो। अब यहाँ पे यूयम के साथ क्या आ गया, बहुवचन आ गया मध्यम पुरुष का। उत्थाय में कौन सा प्रत्यय हो गया, उत उपसर्ग हो गया, स्था धातु हो गई, पेन बंद हो गया, दूसरा लेती हूँ, और लेप प्रत्यय हो गया जिसमें हमारा शेष क्या बचता है लेप में, य। तो यहाँ पे क्या आ गया, उत्थाय। अध्यापका नाम सम्मानम कुरुत, अध्यापकों का सम्मान करो। विद्यालय से अनुशासन से नियमान पालयत, विद्यालय के अनुशासन के नियमों का पालन करो। कक्षायाम कोलाहलम मा कुरुत, कक्षा में शोर मत करो या आवाज़ मत करो। अब ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि बच्चे कक्षा में शोर ना करें, लेकिन हाँ जब टीचर पढ़ा रहा है तब आपको क्या करना है, शोर नहीं करना, क्योंकि आपके एक भी अगर वर्ड आपका स्किप हो गया तो आपका आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे पढ़ाई से। शुभ्रा महोदय अहम काश्चित नियमान वदामि, हे महोदय मैं कुछ नियमों को बताती हूँ। शिक्षक है वदतु, अध्यापक बताओ। शुभ्रा वयम सदा सत्यम वदाम, हमें हमेशा हम सब हमेशा सच बोलें। परोपकारिणः भवाम, परोपकारी बने। प्रमादम त्यजाम, आलस्य को त्याग दें। समय गृह कार्यम करवाम, और समय पर घर का काम करें। शिक्षक है अति शोभनम, बहुत अच्छा। देखो शुभ्रा ने अपने आप कितनी अच्छी बातें बताई, इसी तरह से हमें भी अपने अनुशासन में यानी कि अपने नियमों का कुछ पालन करना चाहिए, समय पर पढ़ना चाहिए और समय पर ही सभी कार्य करने चाहिए, क्योंकि जब हम समय पर करते हैं तो हमें खुद को बड़ा अच्छा लगता है। मांडवी महोदय वयम जीव ने अनुशासन से नियमान पालयिष्यामः, हम सभी जीवन में अनुशासन के नियमों का पालन करेंगे। यहाँ पे कौन सा लकार आया, लिरिट लकार। सिद्धार्थ है महोदय धन्यवाद, हे महोदय धन्यवाद। मूल्य क्या आ गया इसका, मॉरल वैल्यूज क्या हो गई, अनुशासन जीवनस्य आधारशिला, अनुशासन जीवन की आधारशिला है। यदि हम अनुशासन में रहेंगे तो हम प्रत्येक कार्य टाइम से करेंगे और हमें खुद को भी अच्छा लगेगा, और हम जब समय पर कार्य करेंगे तो हम जीवन में सफल अवश्य होंगे। तो आइए ये कुछ इसके वर्ड मीनिंग है, ताकि आप लोग बाहर जाएं या आपकी बुक गुम हो जाए एग्जाम डेज में तो एटलीस्ट आप यहाँ से लर्न कर सकें। नित्य तु नित्य करो, अन्यतम दो लाओ, यानी कि दो लाओ मीन्स दो व्यक्ति, यानी कि किस में आ गया अन्यतम, अन्यताम अन्य अन्यतम, यानी कि युवाम के साथ आ गया कि तुम दो लाओ, तो यानी कि तुम दो होना चाहिए। भवान आप पाल्यत पालन करो, सदा हमेशा जीवने जीवन में। शुण्वन्तु सुनो, मा मत अतिशोभनम, बहुत अच्छा। नमो नमः नमस्कार। शीतलम ठंडा, किंचित कुछ। उठाए उठकर, कोलाहलम शोर या आवाज। प्रमादम आलस्य को, ध्यानेन ध्यान से। प्रातः सुबह, त्याजाम त्याग दे। जानामी मैं जानता हूँ। तो आइए इसी के साथ इसकी एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं। शुद्धम उच्चारणम कुरु, शुद्ध उच्चारण कीजिए। प्राणायामम
कथां व्यायामं यच्छतु पृच्छतां नमतं रच्यन्तु भजन्तु। तो ये आपका उच्चारण है। जब आप उच्चारण करते हैं तो एटलीस्ट आप इन्हें देखकर 2 times जरूर लिखिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चारणम कृत्वा अर्थम बदल, उच्चारण करके अर्थ बोलिए। यूयम क्रीडत, तुम सब खेलो। तौ पश्याम, वे दोनों पढ़ें। अहम पश्यानि, मैं देखूं। वयम खादाम, हम सब खाएं। वयम खादाम, हम सब खाएं। नेक्स्ट एक्सरसाइज फर्स्ट करते हैं। विकल्पे भी उचितम उत्तरम चित्वा लिखत, दिए गए विकल्पों में से उचित उत्तर चुनकर लिखिए। अब इसमें हमें देखना है लोट लकार क्या है, भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, आज्ञार्थक। जैसा कि मैंने आपको बताया था आज्ञार्थक। क्री धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का द्विवचन क्या है, करोतु कुरुताम कुर्वन्तु कुरु कुरुतम। तो ये बीच में क्या आ गया, कुरुतम। पश्यंतु शब्द का सही अर्थ क्या है, पश्यंतु प्रथमा बहुवचन है तो क्या आ जाएगा, वे सब देखें। ता तानी पुस्तकानी, यच्छन्तु में कर्ता पद क्या है, तो कर्ता पद क्या है, तहा। ठीक है, तो यानी कि तहा है। रिक्त स्थान पूरे कीजिए, फटाफट बता रही हूँ क्योंकि अब मैंने आपको ये समझा दिया है। डैश पचंतु, ये पचंतु क्या है, बहुवचन की क्रिया है तो हमारा बहुवचन यहाँ पे क्या है, ता। सा डैश, सा के साथ क्या आएगा, लिखताम या लिखतु, ये तो द्विवचन का हो गया तो हमारा क्या आएगा, लिखतु। सर्वे सर्वत्र डैश, अब नंददी तो आएगा नहीं क्योंकि यहाँ पे लोट लकार की क्रियाएं हैं तो हम यहाँ पे करेंगे नंददु। अगर वैसे एग्जाम डेज में आ जाए, अब ये तो चैप्टर है हमारा तो लोट लकार चल रहा है तो हमने नंददु बता दिया, लेकिन अगर वहाँ पे ब्रैकेट में नहीं दिया होगा कि कौन से लकार में लिखना है तो ये आप ये नंदती भी कर सकते हो। ठीक है, डैश ईश्वरम भजताम, तो क्या आ जाएगा, स या तऊ। अब यहाँ पे भजताम है, भजताम तो हम क्या लिखेंगे, द्विवचन का प्रथम पुरुष का तऊ। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। शिक्षक है कस्य विषय वदति, किसके विषय में बात कर रहा है, अनुशासन के, तो यहाँ पे कस्य में दिया हुआ है तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अनुशासनस्य। केशाम सम्मानम कुर्वन्ति, किसका सम्मान करो, अध्यापक का नाम। वयम कीदृशम वदाम, हमें कैसा बोलना चाहिए, सत्यम। अब देखो कीदृशम आ गया, यहाँ पे केशाम षष्ठी बहुवचन थी, हमने षष्ठी बहुवचन लिख दी। कीदृशम आ गया नपुंसकलिंग में तो हमने सत्यम लिख दिया। अगर आपको प्रश्न निर्माण नहीं आता तो एक बारी प्रश्न निर्माण की वीडियो देखेंगे तो आप इनके उत्तर एज इट इज बड़ी जल्दी दे पाएंगे कि हमें कौन से लिंग में देना है। किम त्याजेत, हमें क्या त्याग देना चाहिए, प्रमादम, आलस्य त्याग देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रियापदानी लोट लकारे परिवर्तय वाक्यानि पुनः लिख। अब ये जो क्रियापद है, ये हमारी जो डाक में है ये मैंने हाईलाइटेड कर दी, हाईलाइटेड तो है ही, मैंने अंडरलाइन कर दी, यानी कि पचंती, ता इससे ओदनम पचंती, इसको लोट लकार में हम क्या लिखेंगे, पचंतु। आप फुल सेंटेंस लिखिए, मैं आपको सिर्फ यही बता रही हूँ। यूयम स्वदेशम गच्छत, गच्छत। आवाम संस्कृते लेखम लिखाओ, अब यहाँ पे तो विसर्ग है तो ये लट लकार है लेकिन लोट लकार में कहीं पर भी विसर्ग नहीं आते। ठीक है, वयम वायुयानम रच्याम है तो ये हो गया रच्याम। बस आपने यही ध्यान देना है कि लोट लकार में लट लकार की तरह होता है ऑलमोस्ट, लेकिन उसमें विसर्ग नहीं लगते। संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरु, संस्कृत भाषा में अनुवाद करिए। सबसे पहले कि सभी वहां जाए तो क्या आ जाएगा, सर्वे तत्र गच्छन्तु। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हम सब शपथ धारण करते हैं, हम सब की क्या हो जाएगी, वयम। शपथ धारण करते हैं तो क्या हो जाएगा, शपथ धारणम, हम सब की क्या हो जाएगी, करते हैं, कौन से में आ जाओ, लट लकार में, कुर में है। बस आपको धातुएं याद होनी चाहिए। तुम दोनों, तुम दोनों की क्या हो जाएगी, युवाम। और ये भी मैंने आपको बोला था कि ये चीज लर्न होनी चाहिए, युवाम जाओ तो क्या हो जाएगा, गच्छतम। वे सब मंदिर जाएं तो क्या हो जाएगा, ते।
मंदिर की क्या हो जाएगी? देवालयम। अब हमने देवालयम क्यों लगाया? क्योंकि जाने के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है और जाएं के साथ क्या हो जाएगा? गच्छतु, गच्छताम, गच्छन्तु, तो हमने लिख दिया गच्छन्तु, राइट, बहुवचन के साथ बहुवचन। अरे विलोम पदों को मिलाइए, तो वदत, वदत का मतलब क्या हो जाएगा? बोलो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? मौनम तिष्ठत, जीवत नश्यत, स्तुवंतु निंदंतु, नयत आन्यत, उत्तिष्ट उपवेश। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अपेक्षा अनुसार हम रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि जिस तरह की धातु दी गई है, यहाँ पे ब्लैंक्स में कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो हमने देखना है कि क्या है। रक्षताम है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? रक्षतु, रक्षताम, रक्षन्तु, नयतु, नयताम, लोट लकार में लिखना है, नयन्तु, अस यानी कि अस्तु, स्ताम, संतु, यच्छन्तु दे रखा है, सारा एक प्रथम पुरुष ही है, यच्छतु, यच्छताम, यच्छन्तु, पततु, पतताम, पतन्तु। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधोलिखित विकल्पे भी उचितम उत्तरम चिन्हत, यानी कि सत्यम ब्रुवात, ये कौन, ये मनुष्य के किस गुण को प्रकट करता है? सत्यम ब्रुवात, यानी कि कौन सत्य बोलता है? जो सत्यवादी होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? सत्यवादी। ओके, नेक्स्ट क्या लिखेंगे? प्रोपकारार्थम सताम विभूते, मतलब प्रोपकार किसकी विभूति है, यानी कि कौन करता है प्रोपकार? जिसमें दया हो। ठीक है, नेक्स्ट आया, इसमें से हमें ये कुछ दी हुई है, लोट लकार प्रथम पुरुष वर्ग पहली में से ढूंढना है, तो सबसे पहले हमने क्या किया? पचतु। जैसे जैसे आपको मिलता जाता है वैसे वैसे करते जाइए, वदतु, ये जीवतु, आपका देह ही रखा है जीवतु। उसके बाद क्या आया? नमतु, और देखिए पठतु, पठतु, और देखिए कौन सा बन रहा है, देख लीजिएगा कौन सा बन रहा है, एक और बनेगा यहाँ पर, पचतु हमने बना दिया, नमतु बन गया, पठतु बन गया, और कोई नहीं बन रहा, अच्छा एक और बन रहा है, दुधतु। ठीक है, तू धातु मीन्स प्रसन्न होना। ओके, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। ओके चिल्ड्रन, बहुत जल्दी ही मैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ आऊँगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।